ABPS News। आज़ादी के बाद हमारे देश में विभिन्न पार्टियों की सरकारें देश व प्रदेश में रही हैं। सभी पार्टियों के घोषणा पत्र गांवों को सशक्त बनाने की बात कही जाती रही है, परंतु जब उनकी सरकार प्रदेश व देश में बन जाती है तो उनके एजेंडे में से गांव को सशक्त बनाने की बात गायब हो जाती है। आज भी हमारे देश के पंचायतों की वही दशा है, वह आज भी मूलभूत सुविधाओं के मोहताज हैं। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुरा में स्थित बीरपुर उर्फ कासम नगर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 17 किलोमीटर है। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 17 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने कलसुम बी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 6000 की आबादी एवं 2400 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 550 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 305 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 20 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 5 हैंडपंप को रिबोर कराया गया है। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 80 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर व 150 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व पुलिया का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, पंचायत घर, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, जूनियर हाई स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 350 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। कोई काम नहीं, विकास नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं सुनते, चौकीदारों से भी बुरी वो है। कोई काम नहीं, कुछ भी, शौचालय बनाना, विधवाओं की पेंशन और बस लैटरिन या रोड वगैरह कोई काम कुछ भी नहीं है। ना कमरों की कोई सर्वे होती है, ना बनने। हम खान बीरपुर कासम नगर थे। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में आज भी एक तक कोई शौचालय नहीं बना, आज तक कोई भी शौचालय नहीं बना है। और सर्वे चल रही है, सत्यापन चल रहा है, जाँच चल रही है। प्रधान की औकात चौकीदार से बुरी हो गई। सफाई कर्मचारी चेक करता फिर रहा है, जिसकी लेटरिन नहीं है उसकी भी काट रहा है। इस समय बहुत बुरी स्थिति है हमारी, चौकीदार से बुरे हैं। इस समय हम प्रधान बनने के बाद परेशान हैं, जनता को कोई लाभ दे नहीं पा रहे। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ना ही आवास, 6 बार जाँच हो चुकी है आवासों की और किसी की कोई अभी प्रक्रिया नहीं हुई है। जनता को क्या मुँह दिखाएं, क्या सेवा करें? आज तक प्रधान की औकात ही खत्म कर दी है, क्या करें प्रधान ही बताओ। इतने परेशान हैं हम, ना विकास मिल रहा है, ना कोई अधिकारी सुनने के लिए, जिसमें हमारा एक सचिव ग्राम प्रधान को मिलता है सचिव काम करने के लिए, वो भी नहीं सुनता है हमारी। और उसके घर में उल्टा जाना पड़ता है, साहब ये काम कर दो। हमारा प्रधान अध्यक्ष होने के नाते उसको ढूंढता फिरता है, कोई सुनवाई वीडियो सीडियो साहब कोई नहीं सुनते हमारी। सब परेशान है ब्लॉक में, कोई प्रधानी से कोई किसी जनता को, किसी गरीब को, लाभार्थी को हम लाभ नहीं दे पा रहे हैं। एक एक मृत्यु सर्टिफिकेट, विकलांग सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर की नकल, उसके लिए दौड़ना पड़ता है। आम जनता के लिए काफ़ी टाइम तक ग्राम विकास अधिकारी के लिए वो टाइम पर मिलते ही नहीं है। विकलांग है 4 बच्चे और चारों की ना कोई पेंशन है, एक लड़की पेंशन है, बाकी तीनों इनकी पेंशन नहीं है, ना कोई शौचालय है। और प्रधान बहुत ही कोशिश में लगा हुआ है और शौचालय नहीं आ रहे हैं। बहुत कोशिश प्रधान ने किया है और 4 ये बच्चे विकलांग हैं। ये देखो हमारे मकान नहीं बने हैं और आते हैं फोटो खींचते हैं ले जाते हैं और गरीब आदमी हम इसलिए खड़े नहीं जो हम घर बनवा पाए। जो हमारे यहाँ टसल लगी है 11 लाइन लगी है, वो गांव से हट के बाहर लग गया है। और बाहर LT टाइप यानी जो भी हो, यानी कि 11 हज़ार कम हो जाता है कि जो वहाँ अगर गाँव में स्पायरिंग होती है इस टाइप से कुछ ना हो, कल को मर भी सकता है, तो आग लग सकती है भयंकर वाली, तो हालांकि बंदा बच भी गया वरना मर जाता अगर पास में होता। तो प्राथमिक विद्यालय रामपुरा माफी, हमारे विद्यालय में मिड डे मील की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। समय समय पर जो गवर्नमेंट द्वारा जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को दी जा रही हैं, जैसे बुध को दूध है, मीठा दूध बच्चों को दिया जाता है, मंडे में फल है, फल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाकायदा साप्ताहिक रूप से। और जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चालू है, मंडे में रोटी मिलती है और
थर्सडे को भी रोटी बनती है, बाकी जो मेनू के अनुसार है उसका पालन किया जा रहा है।